हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज एक बहुत ही स्पेशल डे है। कौन सा डे है? आज मेरा हॉलीडे है। आई नो, एंड हॉलीडे मीन्स आज कुछ स्पेशल कुक होगा। एंड वेलकम टू माय चैनल। आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल पे जाके, और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। एंड आज बहुत ही अच्छी और स्पेशल डिश बनेगी। डिश नहीं है, इट्स बेसिक काइंड ऑफ अ स्नैक जो हमने बचपन में बहुत खाया होगा, जिसको हम मरूंडा बोलते हैं। पता नहीं पंजाबी में तो मरूंडे बोलते हैं, एंड मुझे और किसी लैंग्वेज में नहीं पता। हमने बहुत खाया है एंड आई यूज टू लाइक इट, एंड वही मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में मिलते तो हैं लेकिन इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो हमने जो मरूंडे की वो जो फुलियाँ टाइप्स होती हैं वो हमने बहुत टाइम से ला के रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको यूज़ किया जाए आज एंड कुछ डिश बनाई जाए, राइट? तो पहले हम भेलपूड़ी बनाने लगे थे, लेकिन देन फिर आई थॉट कि मरूंडा, बिकॉज हमारे घर में क्या बोलते हैं उसको, गुड़, यस याद आया, गुड़। हमारे घर में गुड़ भी पड़ा है जो कि कोई खाता नहीं है, तो मैंने कहा इन दोनों चीज़ों का यूज़ किया जाए। और ये बहुत ही सिंपल इंग्रीडियंट है, मैंने मेरी रेसिपी नहीं है ये, मैंने भी यूट्यूब पे देखी है एंड बहुत ही इजी थी यार, तो मैंने कहा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। तो मैंने कहा अगर मैं बना रही हूँ तो लेट मी टेक ऑल माई सब्सक्राइबर्स अलॉन्ग विद दिस। तो फिर अब हम साथ में बनाएंगे, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, आपने सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलना। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एज आई मैंशन अर्लियर, ये बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट से बन जाती है, तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ तीन इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, जो कि है एक ये फुलियाँ सी, जो जिसको आई डोंट नो क्या बोलते हैं, इसको हम राइस पफ भी बोलते हैं, पफ्ड राइस भी बोलते हैं। एंड उसके लिए हमें चाहिए गुड़, एंड एक चाहिए हमें घी। घी हमें एक स्पून चाहिए, तो हमारा इतना कोई खास नहीं है। तो ये थ्री इंग्रेडिएंट जो कि है मेन इस मरूंडे में, आप इसको कोई भी साइज दे सकते हो, इसको आप बॉल्स बना सकते हो, इसको आप ऐसे लंबा सा मरूंडा बना सकते हो, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हाँ जी गाइस, तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है हमारा ये राइस पफ्स को मेजर करने का। एक कप गुड़ में तीन कप राइस पफ्स के जाएंगे, तो इस हिसाब से आपने अपने राइस पफ्स मेजर कर लेने हैं। अगर आपने एक कप गुड़ लेना है तो थ्री कप्स ऑफ राइस पफ्स जाएंगे। उसके बाद आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है राइस पफ्स को। अगर आप इसको ड्राई रोस्ट नहीं करोगे तो आपका जो मरूंडा है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है अपनी कढ़ाई, हमने स्टार्ट कर देना है गैस, एंड इस राइस पफ्स को हमने बिल्कुल स्लो पे, बिल्कुल बिल्कुल स्लो पे हमने रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट करना है हमने। ये प्रोसेस बहुत ही क्रूशल होता है गाइज, इसको हमने बिल्कुल स्लो पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। एंड मेक श्योर आपके जो राइस पफ्स हैं ये ब्राउन ना हो, नहीं तो ये जल जाएंगे और आपको टेस्ट आएगा जला हुआ, विच वी डोंट वॉन्ट। ठीक है, इसको अच्छे से हमने प्रॉपर टाइम दे के इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। आपने इसके लिए कोई भी बड़ी कढ़ाई ले लेनी है, या फिर अपना मतलब जिस हिसाब से आप बना रहे हो, जिस भी क्वान्टिटी के साथ आप बना रहे हो, इसको हम बहुत स्लो से, पेशेंस आपका टेस्ट होगा यहाँ पर, लेकिन आपने पेशेंट रहना है एंड अपना ड्राई रोस्ट करते रहना है। हाँ जी, राइस पफ्स हो चुके हैं एंड आपने चेक कर लेना है, अगर राइस पफ्स बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं तो ऐसे टूटने लग जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके राइस पफ्स रेडी हैं बन के। ठीक है, इसको मुझे लगा है ऑलमोस्ट 7 मिनट्स भुनने के लिए। ठीक है, तो आपने ऐसे चेक कर लेने हैं अपने राइस पफ्स को, एंड इसको अब हम निकाल लेंगे साइड से। राइस पफ्स होने के बाद हमने ले लेना अपना गुड़। गुड़ हमने लेना है 1.5 ग्लास, बिकॉज मेरे 5 कप्स थे राइस पफ्स के, तो इसलिए मैं 1.5 ग्लास ले रही हूँ। अगर आपके 6 होते तो आपने सिर्फ 2 ग्लासेस ऑफ गुड़ लेना था। अगर आपके 3 ग्लासेस होते तो आपने 1 ग्लास ऑफ गुड़ लेना था। ठीक है, गुड़ को मैंने तोड़ लिया है ताकि मेजरमेंट प्रॉपर रहे, एंड 1 स्पून यहाँ पे मैंने घी डाल लिया है ताकि यहाँ पे गुड़ हमारा अच्छे से हो जाए एंड चिपके ना। तो हमने यहाँ पे डाल लेना अपना गुड़, तो ये गया हमारा गुड़ इसमें, एंड इसको भी सेम प्रोसेस हमने बहुत अच्छे से मिक्स 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 करते रहना है। एंड गुड़ डाल दिया हुआ है इसके अंदर, इसको भी हमने स्लोली स्लोली मिक्स करते रहना है। कनेडियंस अपने अपने एग्जॉस्ट चला लो, वी डोंट वांट कि आपके घर पे अलार्म बज रहा हो, तो इसको धीरे 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 चलाते रहना है एंड जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता। ठीक है,
एंड देन इसको कच्चा नहीं रखना, अभी ये कच्चा है, सो आई विल टेल यू कि इसको कैसे पकाना है। एंड इसको हल्के हल्के आप इसको मिक्स करते रहो करते रहो, ये खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। फ्लेम अपने स्लो ही रख रही हैं, स्लो, ठीक है। सो यप, हमारा गुड़ हो गया हुआ है रेडी, सो वी पुट आवर राइस पफ्स एंड देन वी विल मिक्स इट। हेलो जी फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट मरूंडा इज रेडी। इसको आप लॉन्ग लॉन्ग भी काट सकते हो, लंबे लंबे स्क्वायर में भी काट सकते हो, मैंने गोले बनाए हैं बिकॉज इट्स इजी फॉर मी टू ईट। एंड आप कुछ भी कर सकते हो, अभी ये गर्म है सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट इन अ प्रॉपर शेप। जब ये ठंडा हो जाएगा एकदम प्रॉपर सख्त हो जाएंगे ये, तो आप इनको कुछ भी कर सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो। खाओ, बनाओ, इंजॉय करो और मेरे को बताओ ये कैसे बने थे। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ईजी लगी होगी, बना के मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे बने थे एंड अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करना। तो हियर इज माय फर्स्ट मिरुंडा, लेट मी ट्राई। इट्स रियली गुड। इट इज सो क्रंची। सो ट्राई एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसे बने आपके मरूंडे, मेरे बहुत अमेजिंग बने थे। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।